अमरीका पाकिस्तान के साथ दरीना तावुन की कदर करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। विदान पटेल ने खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान खित्ते और दुनिया के मफाद में करार दिया। कहा, पहले भी कह चुके हैं कि लगाए गए इल्जाम में कोई सदाकत नहीं है। साबिक वजीर आजम के दौरे रूस के ताज़ा बयान पर तबसरे से गुरेज। बोले, प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद इतलात को दो तरफा ताल्लुक की राह में नहीं आने देंगे। The U.S. values our long-standing cooperation with Pakistan and has always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to U.S. interests, including our valued bilateral partner with Pakistan. There is not and there has never been a truth to these allegations, but I don't have anything additional to offer. Former Prime Minister Khan's comment. लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में तीन रुकनी बेंच आज समाप्त करेगा। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त का मामला। चेयरमैन पीटीआई का सुनी सुनाई बातों पर डी चौक जाने का एतराफ़। कहा, 25 मई को अदालती हुक्म से मुतालिक आगाह नहीं किया गया, ना दानिस्तगी में उठाए गए कदम पर अफसोस है। सऊदी वली अहद से मिली कीमती घड़ी के खरीदार उमर फारूक का चेयरमैन पीटीआई को चैलेंज। कहा, इमरान खान मुकदमा करना चाहते हैं तो शौक पूरा कर लें। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में कहा, फवाद चौधरी ने पैगाम भेजा, अपने इल्जामात वापस ले लूं, इमरान खान का नाम नहीं लूं। फवाद चौधरी के उमर फारूक से हालिया रवाबित के मुबैना सबूत भी सामने आ गए। घड़ी इस्लामाबाद में बेची, कितने में बेची? तोशा खाना में रिकॉर्ड मौजूद है। घड़ी खरीदने वाला सामने आया तो इमरान खान तैश में आ गए। उमर फारूक पर केस करने का ऐलान। घड़ी के मामले को प्रोपेगेंडा करार दिया। फवाद चौधरी ने दावा किया, घड़ी फरा गोगी के हवाले नहीं की, कानून के मुताबिक अदायगी करके ली, टैक्स भी अदा किया गया। पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आज होगा। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। अहम तायिनाती समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के फंड्स के इस्तेमाल में मुबैना करप्शन। मौतल डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद अदनान राशिद को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। एनएचए की जानिब से डीसी मटियारी के अकाउंट में 4 अरब मुंतकिल हुए थे। तफ्तीशी टीम के मुताबिक डीसी ने अकाउंट से 2 अरब रुपये निकलवा कर रकम की बंदर बांट की। और गुजरात में ट्रक ड्राइवर के कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान 15 रोज कबल ड्राइवर को कत्ल करके 46 लाख रुपये मारियत का स्क्रैप से भरा ट्रक छीन कर फरार हो गए थे। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से असलहा और ट्रक बरामद कर लिया।